तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं शारजा का एयरपोर्ट, बिल्कुल बड़ा गुम्बद के टाइप का डिजाइन। अभी हम लोग जा रहे हैं फ्लाइट की डिटेल उस वाले बोर्ड पे चेक करेंगे कौन सा फ्लाइट नंबर है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपना लगेज देना है। इंडिगो की हमारे फ्लाइट है तो हम इंडिगो वाले एरिया में आ जाएंगे और जाना है, उसके बाद अब आप नाम से अपनी सीट देख करके उसके बाद फिर हम लोग अभी पहुंचेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल में। और मेरे साथ पीछे इनाया भी है और हमारे आजम भाई भी हैं। आज हम लोग निकल चुके हैं शारजा एयरपोर्ट के लिए आप लोगों के लिए। दोस्तों ये जो वीडियो होगा ये एयरपोर्ट प्रोसीजर पे है कि किस तरह से अगर आप लोग फर्स्ट टाइम अगर दुबई से वापस जा रहे हैं इंडिया में तो क्या प्रोसीजर है, पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ मैं। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं, अजमान होते हुए निकल रहे हैं अभी शारजा एयरपोर्ट के लिए। और शारजा एयरपोर्ट से हम लोग जाएंगे हैदराबाद और हैदराबाद से फिर डोमेस्टिक लेना है। तो पूरा प्रोसीजर आप लोगों को जो है हम बताते हुए निकलेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को हेल्प होगा इसमें काफ़ी। जो फर्स्ट टाइम जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छा होगा। तो सीधा मिलते हैं हम एयरपोर्ट के अंदर। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं शारजा का एयरपोर्ट, बिल्कुल बड़ा गुम्बद के टाइप का डिजाइन है भैया। देखिए शारजा का जो ये ऊपर से आप लोग टॉप व्यू जब देखेंगे तो ये बिल्कुल जो है ईगल की तरह लुक आएगा शारजा एयरपोर्ट का। तो ये है अभी हम लोग शारजा एयरपोर्ट डिपार्चर में पहुंच जाना है। सबसे पहले अपना लगेज उठा के उसके बाद इसके अंदर जाना है, अंदर का प्रोसीजर अभी आगे हम लोग लीव करते हैं। तो ये है शारजा का एयरपोर्ट दोस्तों, ये देख सकते हैं जो गुंबद बनाया है वही है ये। यहाँ पर इंटर कर जाना है, उसके बाद सबसे पहले अपना बोर्ड में नाम और फ्लाइट का डिटेल चेक करना है आपने। देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं फ्लाइट की डिटेल उस वाले बोर्ड पे चेक करेंगे कौन सा फ्लाइट नंबर है, उसके बाद आगे जो है अपना लगेज दे देंगे चेक इन के लिए। तो ये है दोस्तों एयरपोर्ट के अंदर आने के बाद, देखिए यहाँ पर चेक इन करना है, अपना लगेज जो है आप लोगों को इधर दे देना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को अपना लगेज देना है, इंडिगो की हमारे फ़्लाइट है तो हम इंडिगो वाले एरिया में आ जाएंगे और यहाँ पर लगेज दे देंगे। सबसे पहले लगेज देने के बाद उसके बाद जो है हम लोग आगे का फिर प्रोसीजर आप लोगों से बताते हैं। यहाँ पर इमिग्रेशन में हम लोग खड़े हैं, इमिग्रेशन चेक इन करने के बाद लगेज देने के बाद ये स्मार्ट गेट है, ये स्मार्ट गेट में जिसका भी अगर इमरात आईडी है तो वो लोग यहाँ से भी एंटर कर सकता है डायरेक्ट पासपोर्ट स्कैन कर, और नहीं तो यहाँ हम लोग वेट कर रहे हैं। यहाँ हमारे साथ क्योंकि इनाया भी है तो इनका यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे, उसके बाद अंदर ड्यूटी फ्री मिलेगा। अभी तक तो वो सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ, देखते हैं अगर सिक्योरिटी चेक वाला काम होता है या नहीं। तो ये है शारजा ड्यूटी फ्री, इमिग्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप लोग सीधा ड्यूटी फ्री में जाएंगे और ड्यूटी फ्री में जाके आप लोग कुछ भी खरीद सकते हैं। उसके बाद सीधा आप लोगों को अपने गेट की तरफ जाना है दोस्तों, तो चलिए थोड़ा बहुत ड्यूटी फ्री घुमा देते हैं। आइए कम ऑन, ओके ये है ड्यूटी फ्री। तो चलिए आगे प्रोसीजर और भी बताते हैं आप लोगों को दोस्तों। तो दोस्तों इमिग्रेशन कंप्लीट होने के बाद आगे सिक्योरिटी चेक हो सकता है, अपना गेट नंबर चेक कीजिए अपने बोर्डिंग पास पे, जैसे हमारा 1C है आगे का बोर्ड में 1C लिखा हुआ है, इसी तरह से 1C ढूंढते हुए हम आगे चले जाएंगे और आराम से ये शॉप सब होते हुए। शारजा का एयरपोर्ट कुछ ऐसा है कि गेट में पहुँचने से पहले सिक्योरिटी चेक होगा। तो ये है शारजा का एयरपोर्ट। दुबई का एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर कुछ ये भी है, फूड कोर्ट भी है। तो आगे चलते हैं फिर वहाँ पर गेट के पास पहुँच के आप लोगों को आगे का डिटेल बता। तो ये अभी सिक्योरिटी चेक होने के बाद ये गेट आ गया, अभी जैसे हमारा गेट है 1C, तो यहाँ पे मैं आके वेट कर रहा हूँ। ये काफ़ी छोटा एयरपोर्ट है शारजा का, दुबई के मुकाबले काफ़ी छोटा है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है और सारी चीज़ यहाँ पर जो है लिखी होती है। तो मैंने दुबई की वीडियो ऑलरेडी पहले बनाया हुआ था तो मैंने सोचा शारजा से भी एक बना देते हैं। तो यही एक प्रोसेस है, यहाँ पर बीच में थोड़ा बहुत खाने की चीज़ें मिल जाती हैं और जहाँ तक बोर्डिंग की बात है यहाँ ज़्यादा रश भी नहीं है, दुबई की तरह कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बस 2-3 गेट हैं यहाँ पर, इजी है। तो आराम से यहाँ पर आके बैठ जाएँ, जब आपका फ़्लाइट का टाइम हो जाए स्क्रीन वगैरह में देख लें कि आपका फ़्लाइट कौन सा है और आराम से यहाँ से बैठ जाएँ। तो अभी मैं यहां से निकल के हैदराबाद जाऊंगा दोस्तों, और हैदराबाद पहुंचने के बाद
वहाँ पे क्या प्रोसीजर आपका होता है वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैं सोच रहा था अभी कुछ खाने के लिए जाता हूँ यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ से अभी मैं जाता हूँ कुछ खाने के लिए, और खाने के बाद वहाँ जो है आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर लॉन्च भी नहीं है, लास्ट टाइम मैंने दुबई का बनाया था वीडियो, वो काफ़ी कमाल का था और वो एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है। एक चीज़ और, अगर आप लोग दुबई से गोल्ड वगैरह लेके जा रहे हैं तो अगर विजिट वाले कोई रहेंगे साथ में तो उनका टैक्स रिटर्न हो जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें, इमिग्रेशन होने के बाद आप लोग अपना टैक्स जो है, जो भी आपका गोल्ड में लगा है वो टैक्स आप लोग रिटर्न करा सकते हैं। तो अब फ्लाइट में बैठने के बाद प्रोसीजर थोड़ी बहुत आप लोगों को मैं आगे बताने वाला हूँ। तो अभी बोर्डिंग होने वाला है हमारा, गेट में 1 GB देखिए दोस्तों, इस तरह से बोर्डिंग होगा। यहाँ बस से लेके जाता है शारजा में, तो बोर्डिंग के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया है भैया, हम लोग इंडिगो की फ़्लाइट में आ गए हैं, धुआं निकल रहा है, तो यहाँ पर फ्लाइट में बैठ जाना है। उसके बाद अब आप नाम से अपनी सीट देख करके, उसके बाद फिर हम लोग अभी पहुँचेंगे हैदराबाद, फिर हैदराबाद में आप लोगों से मिलते हैं दोस्तों, वहाँ का थोड़ा प्रोसीजर आप लोगों के सामने लेके आते हैं। देखिए दोस्तों, पूरा कस्टम क्लियर होने के बाद आप लोगों को फ्लाइट के अंदर ही अनाउंस कर दिया जाएगा कि कौन से बेल्ट में आपका सामान आ रहा है। जैसे ये 10 नंबर का बेल्ट है, अब ये सामान आपको 10 नंबर के बेल्ट में ही मिल जाएगा। हमने अपना कुछ सामान ले लिया है, कुछ वेट कर रहे हैं दूसरे सामानों के लिए। तो ये प्रोसीजर है। उसके बाद अगर आप लोगों को डोमेस्टिक में ट्रांसफ़र होना है तो डोमेस्टिक में भी चलते हैं। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं दोस्तों हैदराबाद के एयरपोर्ट में, और यही था प्रोसीजर। चेक इन से सामान फिर से वापस डाला हूँ डोमेस्टिक के लिए, और सेम प्रोसीजर हमने कर दिया है। तो यही है इंटरनेशनल फ्लाइट का, हमने कई जगह जो है वो नहीं किया क्योंकि वहाँ पर क्या था कि बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस होता है, जो इमिग्रेशन एरिया है वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस ये होता है कि आप वीडियोस वगैरह नहीं बना सकते हैं। तो ये सिंपल प्रोसीजर है, आप लोग फॉलो करके आ सकते हैं। लेकिन हैदराबाद एयरपोर्ट की बात जहाँ तक है, एयरपोर्ट अच्छी है लेकिन प्रोसीजर बहुत ज़्यादा है भाई, बाय द वे। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी, यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।